नमस्कार दोस्तों, बरेली के भाइयों का स्वागत है। मैं विकास, आइए दिखाते हैं आज के समाचार, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया है। उनका कहना है कि यह बजट ऐसा है जो पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया है। जा रहे कि कोरोना महामारी और इसके कारण आई आर्थिक सुस्ती से जूझ रहे आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बजट को लेकर बरेलियंस की क्या राय है, आपको दिखाते हैं बरेलियंस की राय। मैं दिनेश दद्दा, जिला कांग्रेस कमेटी का बरेली का उपाध्यक्ष भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि ये जो बजट है इसने मध्यवर्गीय और गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा से संबंधित या किसी चीज़ को इसमें बढ़ाया नहीं गया है। इनकम टैक्स के स्लैब को भी कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये चुनावी बजट है। कुछ राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, असम में, पश्चिम बंगाल में, आने वाले दिनों में केरल में, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ इन्होंने नेशनल हाईवे बनाने का जो बजट डिक्लेयर करा है वो एक चुनावी बजट है। और चूंकि पूरे देश में सड़कों की ज़रूरत है, केवल उन्हीं 4 राज्यों के लिए पैकेज देना, मैं नहीं समझता कि ये चुनावी बजट नहीं है। इसलिए इसी तरह से कोई भी राहत ना किसानों को है, ना किसी और तरह से युवाओं को है, रोजगार के बारे में भी इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये एक फ्लॉप बजट है, यही मैं बताना चाहता हूँ। चंद्रपाल राठौर, महानगर उपाध्यक्ष, भाजपा ओबीसी मोर्चा। जानना चाहेंगे आज सरकार ने नया बजट लेकर आई है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना? ये ऐतिहासिक बजट है और इस बजट में सभी वर्गों पर ध्यान रखते हुए बजट बना है। नए बजट से दौड़ेगा उम्मीदों का भारत। किसानों को अधिक ऋण मिल सकेगा। इसमें किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है, APMC मजबूत करने पर जोर दिया गया है और विशेष तौर से किसानों पर बहुत लाभ मिलेगा इसमें। ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट महिला विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है और बेरोजगार नौजवान विरोधी है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने का ही बजट है। इसकी जिंदा सबूत ये है कि मनरेगा के लिए कोई भी बजट नहीं बढ़ाया गया, जबकि गांव का आदमी शहरों से निकल के मजदूरी करने जो गया था वो वापस लौट के गांव आया, लेकिन उसके पास मजदूरी नहीं है। दूसरी चीज़, महिलाओं का शोषण हो रहा है। किचन का 150 रुपये बढ़ गए, 150 रुपये बढ़ गए गैस पे, दाल पे, चावल पे, तेल पे, सब्जी पे। उनका बजट बजाए, उनके लिए बजट में कुछ होना चाहिए था, वो बजट नहीं है उनके लिए कुछ भी। रोज़गार के नाम पे दिन नौकरियां घट रही हैं। नौजवान, मेरा नाम है हरप्रीत सिंह गोलू। सर, जानना चाहेंगे सरकार द्वारा आज बजट पास किया गया है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? जो भारत सरकार द्वारा जो बजट पास जो हुआ है, इससे पिछले कुछ महीनों पहले कोरोना वायरस जो कहना पूरे भारत देश में रगड़ लिया था, जिससे बेरोजगारी बहुत ही हो गई थी, इससे कहना व्यापार के नाम में बिल्कुल विकार होता चला गया था कोरोना वायरस महामारी के लेकर। इस बजट से आने वाले टाइम पे बेरोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, व्यापार अपने स्तर स्तर होगा, हमारा भारत देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। इस बजट से जो पिछले कुछ महीनों बेरोजगारी हुई, व्यापार के नाम में सही से चल नहीं पाया, इस चीज़ से बजट से व्यापारियों के लिए लाभ होगा और ये भारत सरकार ने जो बजट पास किया ये व्यापारी वाले टाइम पे फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस ने किया भाजपा की पोल खोल कैलेंडर का विमोचन। भारतीय जनता पार्टी के कारनामे उजागर करने के लिए कैलेंडर में की जा रही है उसकी बातें, जिसको लेकर आज महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कांग्रेस महामंत्री यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देशन पर कैलेंडर का विमोचन किया। जब से मोदी सरकार आई है तब से देश में क्या बदलाव आया है इस कैलेंडर में बताया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया। मैं अजय शुक्ला हूँ, महानगर अध्यक्ष बरेली का हूँ। आज हमारी माननीय कांग्रेस की महामंत्री और यूपी की प्रभारी माननीय प्रियंका जी ने एक कैलेंडर आज दिया है, जिसका विमोचन हमारे महानगर कांग्रेस के लोग आज कर रहे हैं। उसमें यह दर्शाया गया है कि जिस तरीके से ये बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, योगी की गवर्नमेंट जिस तरीके से अत्याचार कर रही है और मनमाने तरीके से
ये कानून बना रही है और जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी भया करने के लिए हमारी माननीय प्रियंका जी ने जो जगह जगह गई हैं, हाथरस कांड में जिस तरीके से बच्ची के संग बलात्कार हुआ और एक तरफा कार्रवाई ना करते हुए और उनके घर को घर वालों को भी दोषी बनाया गया, यही बयां करते हुए हमारी प्रियंका जी ने कांग्रेस ने एक जीता जागता उदाहरण पेश किया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है और कांग्रेस उसका किस तरीके से प्रतिशोध कर रही है। इसी क्रम में हमारे महानगर कांग्रेस के लोग, हमारे जिले के लोग ने ठान लिया है कि बीजेपी की जितनी भी कार्यस्थानी है उसको खुलेआम हम जनता को उजागर कर। सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहा था रिटायर्ड फौजी, समाज सेवा मंच ने बढ़ाया मदद का हाथ। रिटायर्ड फौजी को अस्पताल भर्ती कराने के साथ ही उसे परिवार से मिलाने की बात कही जा रही है। इस बारे में समाज सेवा मंच के नदीम शमसी ने जानकारी देते हुए बताया। ये अभी नवल्टी के पास मेन रोड पर वहीं सड़क पर लेटे हुए थे, पैर में इनके चोट है, पट्टी बनी हुई है। इनसे हमने पूछा तो कह रहा है राम सिंह मेरा नाम है, मिलिट्री में था मैं, और फिर इन्होंने एक नंबर दिया, उस पर अपने कज़न से किसी से बात की और इंग्लिश में बात कर रहे हैं और लखनऊ, उन्होंने फ़ोन पे ये कहा कि लखनऊ कब आ रहे हैं, तो इनकी जो भी मदद होगी वो की जाएगी, इनको यहाँ इनका इलाज कराया जाएगा, उसके बाद अगर लखनऊ जाना चाहेंगे तो हम लोग इनको लखनऊ भिजवाने के लिए सारा इंतजाम करेंगे, उसका पैसा सब समाज सेवा मंच की ओर से किया जाएगा। 20 साल से ज़्यादा हो गया समय सेवा करते हैं, और जो सड़क पे लोग पड़े होते हैं उन लोगों को ले आना, उनको एडमिट कराना, उसके बाद चैरिटेबल स्कूल भी है हम लोगों का, चैरिटेबल हॉस्पिटल भी है, एम्बुलेंस चलती है वो भी फ्री निःशुल्क एम्बुलेंस चलती है, गाय जहाँ पर जो डेथ हो जाती है उनका भी अंतिम संस्कार, तो हम लोगों का ये सेवा कार्य चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट से हमने आज तक कोई मदद नहीं ली, आपस में मिलकर योगदान। आज जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मिलन शर्मा मौजूद थे, मिलन शर्मा और हम यहाँ लेकर आए जिला अस्पताल, और मिलन शर्मा भी लगातार सेवा में लगभग 17-18 सालों से हमारे साथ। सेंट्रल जेल से हत्या कर व बलात्कार की सजा काट रहा कैदी फरार, मचा हड़कंप। बरेली के सेंट्रल जेल में आज सुबह समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी नरपाल नाम का दीवार फांद कर फरार हो गया। जैसे ही मामले की जानकारी जेल प्रबंधक को ही है, तुरंत इंद्रनगर थाने में फरार कैदी के बारे में सूचना दी गई। पुलिस सूचना पाकर कैदी को पकड़ने के लिए हरकत में आई है और शहर के मुख्य चौराहों पर पैदी लगाकर फरार कैदी की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि कैदी सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में 2012 से सजा काट रहा था। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सिजवाण ने बताया। थाना इज्जत नगर पर सूचना प्राप्त हुई है कि केंद्रीय कारागार जनपद बरेली से एक सजायाफ्ता कैदी जो नरपाल और सोनू, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वो दीवार फांद कर भाग गया है। पुलिस के द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ पुलिस के द्वारा टीम लगा दी गई है और कैदी को पकड़ने का प्रयास चल रहा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही अगले से बुलेटिन देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।